रामनवमी के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ शांतिपूर्ण माहौल में भगवान राम की शोभा यात्रा आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछली बार रामनवमी पर आयोजित शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, उसके बाद इस बार पुलिस विभाग ने एक्शन प्लान के साथ चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर शोभा यात्रा का आयोजन कराया। वडोदरा के कुम्भारवाड़ा से हिंदू संगठनों द्वारा इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो इस साल भी भव्य रूप से किया गया, जिसमें वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, विधायक मनीषा, वकील पूर्व मेयर भरत डांगर समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेता और वडोदरा शहर के श्रद्धालु हजारों की संख्या में शामिल हुए। राम जन्मोत्सव की सभी संस्कारी नगरी के नगरजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान कर रहा हूँ। 500 साल के संघर्ष और तप के बाद ये पहली रामनवमी है, राम जन्मोत्सव है, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ और सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर आज सूर्य का वही किरण जब उनके मुकुट पर जब दीप्यमान हुई, उस अलौकिक घटना के पूरे राष्ट्र के सभी सनातनी साक्षी बने, उस ऐतिहासिक क्षण प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आपके माध्यम से यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन जब कुम्भारवाड़ा मंडल हमारे रणजीत भाई राजपूत और पूरी टीम के द्वारा हर साल भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के ऊपर एक राम जी की सवारी शोभा यात्रा का जो आयोजन होता है, सफल आयोजन के लिए भी उनको बहुत बहुत अभिनंदन। सबको फिर से एक बार भगवान राम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आपके माध्यम से VNM और वडोदरा के सभी नगरजनों को मैं रामनवमी की शुभेच्छाएं प्रदान करता हूं। और जिस तरीके से वर्षों से श्री बाल गणेश युवक मंडल कुम्भारवाड़ा फतेहपुरा के सभी युवकगण, शिक्षण समिति के मेरे साथी आदरणीय रंजीत भाई और उनकी पूरी टीम के द्वारा हर रामनवमी के दिन एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, आज भी वह शोभा यात्रा का यहाँ पे आयोजन किया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से जिस प्रकार से आयोजन किया गया है, मैं आपके माध्यम से श्री बाल गणेश युवक मंडल फतेहपुरा गोपाल हमारे रंजीत भाई और पूरी टीम को हार्दिक शुभेच्छाएं प्रदान करता हूँ। आज राम जन्मोत्सव के दिन कुम्भारवाड़ा में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रंजीत सिंह राजपूत के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। 500 साल के बाद श्री राम जी का मंदिर बन गया है तो उसकी खुशी में सब लोग बहुत ही अभिभूत है और ये राम जन्मभूमि और ये राम के जन्म के दिन ये शोभा यात्रा निकल रही है, पूरे शहर के लोग इसमें भाग ले रहे हैं, सबको आज के दिन शुभकामनाएं। शोभा यात्रा में अप्रिय घटना रोकने के लिए ड्रोन से शोभा यात्रा पर पैनी नजर रखी गई। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए वडोदरा पुलिस ने 2000 लोगों के चेहरे सॉफ्टवेयर में फीड किए। अगर ये लोग शोभा यात्रा में दिखते हैं तो उन्हें मौके पर ही डिटेक्ट कर कार्यवाही की जाएगी। इन इलाकों से पथराव की संभावना होती है, वहाँ लोहे के पतरे लगाकर बैरिकेड कर दिया गया। वडोदरा के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कोमर के नेतृत्व में शांतिपूर्ण रूप से शोभा यात्रा संपन्न कराने की पूरी कवायद की गई। जी, आज रामनवमी का उत्सव है, मैं पूरे बरोड़ा वासी को रामनवमी की शुभकामना देती हूँ। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि रामलला अयोध्या में विराजमान भी हुए है और आज भगवान राम के तिलक पे सूर्यनारायण भगवान भी दर्शन दिया है, तो ऐसा ऐतिहासिक दिन आज रामनवमी का है। ये कुम्भारवाड़ा विस्तार है, यहाँ पे हमारे रंजीत भाई राजपूत और उनकी पूरी टीम के द्वारा रामनवमी के शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है भगवान राम का। मैं पूरी टीम को बहुत शुभकामना देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। प्रशासन भी बहुत अच्छी तरह से सहयोग दे के ये शोभा यात्रा अच्छी तरह से निकले, इस दिशा में काम करता है। मैं सभी को बहुत अभिनंदन करती हूँ, रामनवमी की शुभकामना देती हूँ। आज कुम्भारवाड़ा से एक अपने संगठन द्वारा बहुत अच्छी यहाँ से सवारी निकाली गई है, पूरे बड़ौदा में अलग अलग जगह पे राम जी की सवारी निकली है, वैसे यहाँ से हर साल की जैसे निकलती है। खूब आनंद है लोक में क्योंकि 500 साल के बाद श्री प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं अयोध्या और आज उनके ललाट पे भी सूर्य तिलक हुआ है,
तो लोगों में ये आनंद है कि रामनवमी, पहली रामनवमी श्री राम की विराजमान होने के बाद हुई है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े। 500 साल के बाद प्रभु श्री राम जी टेंट में से अयोध्या के अंदर भव्य महल में आ गए हैं, तो ये साल का उत्सव एक अनेरा उत्सव है, जिसमें हम लोग ये कहना चाहते हैं हमारे मंडल की ओर से कि राम, रघुनंदन राम, सूर्यवंशी राम, अयोध्यापति राम, मेरे राम, तुम्हारे राम, हम सबके राम, सभी को हमारे मंडल की ओर से जय श्री राम। और उनका संदेशा है नगरवासी, वनवासी, हम सभी भारतवासी, मैं भारत, तुम भारत, हम भारत, ये स्पष्ट संदेशा के साथ शांतिपूर्व शौर्यता और वीरता के प्रतीक ऐसे प्रभु श्री राम जी का हम भव्य यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। और प्रभु श्री राम जी की कृपा सभी नगरजनों को हो, भारतवासियों को हो, और भारत एक उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचे और विश्व गुरु बने, ऐसी हमारी एक अपेक्षा है और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं।